लंच से करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टास्क सा हो जाता है कि रोज रोज लंच में क्या दिया जाए। मैं एक दिन पहले ही सोच के सोती हूँ कि कल ये लंच बनाना है, ये स्कूल के लिए देना है, टिफिन में देना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आज बना रही हूँ पुलाव, जिसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप वो डालिएगा, तो ये हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चे की इच्छा भी पूरी होगी कि वो राइस खा रहा है। तो ये है ड्राई फ्रूट राइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। पहले वॉश किया अच्छे से, उसके बाद आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी इसमें मैं क्या डालना है अभी आप देखिएगा। तो इसमें मैंने 5-6 बादाम लिए थे, और 4-5 कैश्यू लिए थे, और किशमिश और एक ऑनियन कट किया था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स इससे अलग भी है, जैसे अखरोट वगैरह है, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कुकर में लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया है। और उसमें मैं एक बड़ी इलायची और लौंग, 2 लौंग, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ये थोड़े से मसाले यूज़ कर रही हूँ, और जीरा डाला है इसमें, और 2 पीस दालचीनी के डाले हैं। तो आप भी इतना ही इनफ है, क्योंकि बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा नहीं बनाना है। हल्का इसमें स्वीटनेस हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं किशमिश भी डाल रही हूँ। और तो मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर दिया है। ऑनियन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट ही रखना है। तो यहाँ ऑनियन लगभग हो चुकी है, पक चुकी है। अभी इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको सबको एक साथ ऐड कर देंगे, जिससे कि वो थोड़े से रोस्ट हो जाए। हल्का रोस्ट होने के लिए डाला है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करने हैं। और मैंने इसमें चिली का भी यूज़ नहीं करना है। बहुत ही टेस्टी पुलाव हो लगता है, आप खुद बड़े भी खा सकते हैं मतलब, और लंच के लिए तो है ही अच्छा, क्योंकि कम जैसे दाल चावल होते हैं वो आप लंच में बच्चे को नहीं दे सकते हैं। तो कभी कभी मन करता है कि स्कूल में राइस लेके जाया जाए, क्योंकि तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं। और फिर यहाँ मैंने राइस को ऐड कर दिया है। अच्छे से चलाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, 1 कटोरी चावल है तो लगभग 1 से 1.5 कटोरी चम्मच कटोरी ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो खिले खिले चावल नहीं बनते हैं। और यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डाला है। आप चीली डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है चीली डालना। इसलिए बस यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है पानी, बहुत थोड़ा रखना है, जिससे कि चावल खिले खिले बने। तो मैं यहाँ कुकर का ढक्कन लगा के रख दूँगी। लगभग इसमें सिर्फ 2 सीटी से ज़्यादा नहीं डालना है, लगाना है। तो 2 सीटी आने के बाद कुछ चावल इस तरह से है, मतलब पुलाव। तो क्या है, बच्चे भी खुश हो जाता है कि हाँ हम राइस लेके जा रहे हैं। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि अलग अलग टिफिन देखते हैं ना बच्चे, तो मन करता है कि कोई राइस लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है। तो यहाँ रेडी है लंच। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था पुलाव, जो कि बच्चों को राइस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर जो भी लंच उसे कुछ मान लो कुछ डिफरेंट सा दे रही हूँ, या कुछ ऐसा दे रही हूँ जो उसको पहली बार खा रही है या फिर बहुत कम खाती है, तो उसको या कुछ नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, तो मैं पहले उसको क्या करती हूँ, डायरेक्टली लंच में नहीं देती हूँ। पहले उसको एक बार घर में बना लेती हूँ, जिस दिन उसका हॉलिडे हो या फिर शाम के टाइम, इवनिंग में, डिनर में, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो शायद खाएगी या नहीं खाएगी, तो उसको ट्राई करने के लिए पहले मैं एक बार किसी घर में बना लेती हूँ, जैसे जो कि वो लंच में खाए, मतलब दोपहर में स्कूल से आने के बाद खाए, या फिर नाइट में खाए, डिनर में ले ले। तो मैं पहले ये चीज करके देख लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच में देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे लंच में मतलब
आपने तो दे दिया, आपको लग रहा है कि हाँ वो खा लेगा या नहीं खाएगा पता नहीं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी नहीं भी खाते हैं बच्चे, उनकी इतना मन की बात होती है। अगर अच्छा लगा तो पूरा डब्बा फिनिश हो जाएगा, पूरा लंच फिनिश हो जाएगा, अगर उनको पसंद नहीं आता है ना तो नहीं खाते हैं। जैसे कि अभी कल परसों प्रांकी करती, मम्मा प्लीज रिपीट नहीं करना, मतलब सेम डे, मतलब जैसे जन्म जो मैंने लंच कल दिया था तो मैं वो आज ना दूँ, यस्टरडे वाला रिपीट ना हो टुडे, टुडे में तो मैं रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि हो जाता है कि बच्चे का मन भी भर जाता है, तो उन्हें स्कूल में जाने की जो तैयारी रहती है खुशी हो जाती है फिर, कि हाँ आज भी लंच में कुछ नया सा बन रहा है, तो इसलिए वो खुशी खुशी अपना लंच भी फिनिश करके आती है। कभी कभी हो जाता है कि जो थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन अधिकतर लंच फिनिश हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि जो भी उसे दे रही हूँ तो पहले मैं अपने आप घर पे बना के उसे अपने सामने खिला लूँ, जिससे कि मुझे भी ये ना लगे कि हाँ वो आज पता नहीं लंच करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये चीज़ हो जाती है जिसके छोटे बेबीज होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, जो बहुत से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो 6 साल की है, अभी 6.5 साल की है, तो मन नहीं होता है कभी कभी, जैसे रोज रोज में सब्जी पराठा नहीं खाएंगे। कोई है पता नहीं क्या नाम बता रही थी, मैं भूल गई, तो मुझसे पता, मम्मी वो रोज 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 ना सब्जी और पराठा ही लेके आती है, वो कुछ और लेके ही नहीं आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं लाती है तो, लेकिन सब्जी पराठा रोज रोज अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ अलग अलग अच्छा लगता है, तो उसको मतलब रोज कुछ रिपीट हो जाए, वीक में हो जाए रिपीट, 2 बार कर लो तुम, 3 बार कर लो, लेकिन जो हमने कल दिया है वो आज ना दे। तो इसका क्योंकि सुबह ही कह रही थी मम्मी रिपीट नहीं करना, और 2-3 दिन पहले भी कह रही थी रिपीट नहीं करना, मैंने कहा बाबा रिपीट नहीं करूंगी, अच्छा ही दूंगी। तो इसलिए मैंने ये पुलाव वगैरह बनाया था जो कि हेल्दी पे, अब ड्राई फ्रूट्स डालकर तो ऑब्वियसली हेल्दी हो ही जाएगा वो, और राइस बच्चों को पसंद होते हैं तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, उनका पेट भी भर जाता है, तो लंच जो बॉक्स होता है वो फिनिश हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ, क्योंकि मान लो किसी दिन बच्चे नहीं खाया तो फिर अपने आप को अफसोस हो जाता है थोड़ा सा, कि इससे अच्छा तो मैं नहीं देती, इससे अच्छा तो जो बोल रही थी वो बच्चा जो बोलता है वही दे देती तो शायद खा लेता। अब हम लोग घर पे हैं तो कुछ भी मतलब बना के खा सकते, लेकिन टाइम हो जाता है कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो टाइम टू टाइम छुट्टी होगी, या जैसे कि अब क्या हो रहा है कि अभी स्कूल का टाइमिंग थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अभी 3 बजे हैं, तो इसकी 2:45 पे छुट्टी हुआ करेगी स्कूल से, तो लगभग 3:15 बजे तक आएगी, क्योंकि 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं आने में, तो अब उसे थोड़ा हैवी और नाश्ता लंच देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब थोड़ा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, इसलिए अभी क्या है वो एक पराठे में उसका पेट भर जाता है, कभी कभी एक पराठे से भी बचा देती है अगर उसकी पसंद का नहीं होता है तो। वैसे मैं उसका मोस्टली ध्यान रखती हूँ कि वह हमेशा लंच फिनिश करके ही आती, कभी कभी थोड़ा बाइट बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलो हो ही जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ मैं फ्रूट दे दूँ या फिर कुछ कभी कभी बिस्किट भी दे देती हूँ, क्योंकि फास्ट फूड जंक फूड ये स्कूल में अलाउड नहीं है, जैसे पिज्ज़ा, जैसे क्या होता है बर्गर होता है, ये सब अलाउड नहीं है, और जैसे मैगी होती है, नूडल्स होते हैं, ये सब अलाउड नहीं होते हैं स्कूल में, हेल्दी चीज़ें ही अलाउड होती है, क्योंकि इसकी डायरी में भी मैंने पढ़ा हुआ था, तो उसमें भी दिया हुआ है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, तो उसमें साफ साफ क्लियर लिखा है कि तुम्हें जंक फूड नहीं देने हैं, फास्ट फूड नहीं देने हैं, तो सही है। वैसे भी फास्ट फूड इतना हाँ मतलब हार्मफुल तो होते ही हैं, लेकिन बस ये है कि आप घर में कभी कभी में खा सकते हो, लेकिन टिफिन में देना तो, या फिर रोज में तो हार्मफुल हो ही जाता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं देती हूँ। जैसे मैगी वगैरह की बहुत जिद करती है कि मम्मा मैगी दे दो, मैगी दे दो, उनको मैगी वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है ना तो बिल्कुल फ्रिज हो जाती है, जम जाती है एकदम से, तो वो वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, मैगी तुरंत बनाओ तुरंत खाई जाती है तो तभी ठीक लगती है। तो यही मैं तरीका अपनाती हूँ प्रांकी को खाना देने का, मतलब लंच बॉक्स देने का, कि उसको जो चीज़ नई पहली बार ट्राई कर रही हूँ या
उसको कुछ अलग सी चीज़ दे रही हूँ, तो पहले मैं एक बार घर पे बना के उसके बाद ही उसको देती हूँ। तो आप भी ये चीज़, अगर आपका बच्चा ऐसा करता है कि बहुत लिमिटेड चीज़ें खाता है, वैसे प्रांकी हर चीज़ खा लेती है, नहीं करती है, दाल सब्जी हर तरह की खा लेती है वो, उसको इनफैक्ट लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, सूप ड्राई वाली चीज़ें कम खाती है, जैसे सूखी सब्जी होती है वो कम खाना पसंद करती है, लेकिन जो लिक्विड चीज़ें होती है जैसे दाल हो या रसे वाली लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद लगती हैं उसको, खाती है। तो मैं यही सब ट्राई करती हूँ कि उसका पेट भी भर जाए और भूखी ना रहे और लंच बॉक्स भी फिनिश हो जाए। तो आप भी ऐसा ही एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मतलब पहली बार जो आप उसको दे रहे हो स्कूल के लिए, तो एकदम आप पहली बार में उसको टिफिन में मत दीजिएगा, पहले एक दो बार बना के घर पे खिला दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये खा लेगा, कि अगर मैं सुबह को इसे लंच में बॉक्स में बना के दूंगी तो वो खा लेगा। तो मैं यही चीज अपनाती हूँ और ये जहाँ तक है ठीक भी है। तो आज के जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, यही मैं लास्ट करती हूँ। और जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।